जी हाँ, आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजों के बारे में जो ना केवल हमें खुशी प्रदान करती हैं बल्कि हमें सम्मान भी दिलाती है। इसमें सबसे पहला है, हर किसी की रेस्पेक्ट करें, चाहे वो ट्रस्टवर्दी हो या ना हो। आप भले ही उस पर भरोसा कर सकें या न कर सकें ये अलग मैटर रखता है, लेकिन किसी की रेस्पेक्ट ना करना एक अलग मैटर है। आप हर किसी की रेस्पेक्ट करें, अंत में लोग आपको आपके रेस्पेक्ट के लिए जानेंगे और इसी वजह से आपका सम्मान करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ऑफिस के गॉसिप को घर तक लेके जाना, घर के गॉसिप को ऑफिस तक लेके जाना, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि इंसान बाय नेचर एक सामाजिक प्राणी है, तो गॉसिप तो आ ही जाती है, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप घर के गॉसिप को ऑफिस में ना ले जाएं। घर की बातों को ऑफिस में बात करके फायदा नहीं है, सिमिलरली ऑफिस की बातों को घर तक लेके आके फायदा नहीं है, क्योंकि ऑफिस की बातें आपके घर वाले समझ नहीं पाएंगे और घर वालों की बात सुन के ऑफिस वाले मजे लेंगे। बेहतर है कि अगर आपको गॉसिप करना ही है तो ऑफिस की बातों पर गॉसिप करें, दुनिया की चीजों पर गॉसिप करें, एंटरटेनमेंट पे गॉसिप करें, या फिर दुनिया में बड़ी जो नई चीजें आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मशीन लर्निंग आ रही है, इन सब चीजों पे गॉसिप करें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑफिस हमेशा टाइम से जाएं और जम के मेहनत करें। अपने जीवन को आप 8-8-8 में विभाजित कर सकते हैं। 8 घंटे जम के ऑफिस में मेहनत करना, 8 घंटे आपकी फैमिली के लिए, जहां पे आप फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, अपने हॉबीज पे काम करेंगे, अपने शौक पूरे करेंगे, और 8 घंटे की गहरी नींद, 8-8-8 का इस्तेमाल करें और जीवन को खुश बनाएं। ऑफिस में ज्यादा समय देने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है बल्कि आपकी हेल्थ डिटोरिएट करती है लॉन्ग टाइम में, तो बेहतर ये है कि वो 8 घंटे जो आपके ऑफिस के लिए बने हैं उसमें जम के मेहनत करें और समय से घर वापस आए। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि अगर आप ऑफिस से घर टाइम पे नहीं जाते हैं, इसका मतलब आप अनप्रोडक्टिव वर्क भी करते हैं ऑफिस में। प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, टाइम से घर जाइए, स्वस्थ रहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अपने ऑफिस कलीग से या दूसरे लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। आपके किए गए कार्यों के लिए अगर कोई आपको धन्यवाद देता है, आप भी ग्रेटिट्यूड रखिए, खुश रहिए, उन्हें भी धन्यवाद दीजिए। कोई कुछ नहीं बोलता है, नोटिस नहीं करता है, इग्नोर कीजिए, आप खुद से ही कुछ नया सीख लेंगे। ध्यान रखें, एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, टू मच रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस। ऑफिस में जरूरत से ज्यादा रिलेशनशिप किसी के साथ बनाना नुकसानदायक हो सकता है। ये खास उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो ऑफिस को परिवार मानने लगते हैं और परिवार बनाने की कोशिश करने लगते हैं। ऑफिस को ऑफिस की तरह निभाएं, अच्छे दोस्त बनाएं, हेल्दी कंपटीशन रखें, लेकिन उसे ऑफिस के बाहर परिवार ना बनाएं। ऑफिस के बाहर का परिवार आपका खुद का परिवार है, अपने खुद के परिवार के साथ टाइम बिताएं। छठी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नेवर रश फॉर अ पोजीशन और डेजिग्नेशन। ध्यान रखिए, अगर आपको आपके काम के बदले में प्रतिफल के रूप में आपका प्रमोशन होता है, बहुत बहुत बधाई। नहीं होता है, कोई बात नहीं। ध्यान रखें, अंत में आप अपने लीडरशिप के लिए जाने जाएंगे, आप अपने हेल्पफुल नेचर के लिए जाने जाएंगे, आप किसी को कितना सहयोग करते हैं या अपने काम को कितने व्यवस्थित तरीके से करते हैं इसके लिए जाने जाएंगे। आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको आपके व्यवहार के लिए याद रखेंगे, ना कि आपके डेजिग्नेशन के लिए। सातवीं इंपॉर्टेंट बात, ऑफिस की चीजों के पीछे बहुत ज्यादा ना भागे। आपके जीवन में बहुत कुछ और भी करने के लिए है। ऑफिस की चीजों को ऑफिस में कंप्लीट करके घर आइए और घर पे वो सारी चीजें कीजिए जो आपके घर के लिए इंपॉर्टेंट है। जीवन में और भी कुछ तो करना है, या फिर पूरे के पूरे 24 घंटे आप ऑफिस की चीजों के पीछे बिता देना चाहते हैं। आठवीं इंपॉर्टेंट बात, ऑफिस या वर्क प्लेस में ईगो ना रखें। ध्यान रखें, आपको आपके डेजिग्नेशन, आपकी रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सैलरी मिलती है। अननेसेसरी का ईगो क्यों रखना, आप काम अपने सम्मान के लिए कीजिए, अपने इंटरनल इमोशन को बाहर निकालिए, अच्छे से काम कीजिए, अच्छे व्यवहार बनाइए और सभी का सम्मान कीजिए। नौवीं इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको सम्मान की निगाह से देखे, जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। ये ध्यान रखिए, आप हर किसी के प्याले की चाय नहीं है। जी हाँ, आपका एक अपना रुतबा है, आपका अपना काम करने का स्टाइल है। एक हेल्दी कंपटीशन होना अलग बात है और अननेसेसरी किसी की चाटुकारिता प्राप्त करना एक अलग बात। और अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कुछ भी मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ आपकी फैमिली करती है, आपके मित्र करते हैं, आपका घर करता है, आपका परिवार करता है और
आपकी इटरनल खुशी करती है। तो वर्क प्लेस में खुश रहना है तो ये 10 बातों का ध्यान रखिए, आपकी खुशी कोई आपसे नहीं छीन सकता। पसंद आया हो अगर ये वीडियो तो अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेके आता रहूंगा आपके लिए, जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।